सभी ने सुना होगा, अपन इस्तेमाल भी करते हैं। तो जो सीडी और डीवीडी आती है और उसके अंदर जो भी कैटेगरी आती हैं, सभी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती हैं। ऑप्टिकल डिस्क जो है दो प्रकार की होती है, सीडी और से डीवीडी। फिर सीडी के अंदर भी और प्रकार होते हैं, मतलब सीडी भी कई प्रकार की होती है और डीवीडी भी कई प्रकार की होती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी या डीवीडी को हम किसके अंदर रख सकते हैं? ऑप्टिकल डिस्क के अंदर रख सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क इसलिए कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय विधि से डेटा को स्टोर किया जाता है, इसी कारण से इसे ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी। यह ऑप्टिकल रोम भी होती है। इसमें पूर्व संचित डेटा को केवल रीड किया जा सकता है। सन 1990 में इस ऑप्टिकल की टेक्निक विकसित हुई। इस डिस्क में लेजर प्रकाश की सहायता से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। यह रजिन पदार्थ जैसे पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। तो ये जो सीडी होती है वो किस प्रकार से बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी होती है। और इसमें डेटा को लिखने के लिए लेजर प्रकाश की देखो जरूरत होती है, इसी कारण से ये ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय विधि। तो लेजर प्रकाश की सहायता से इसमें डेटा लिखा जाता है, इसी कारण से इसे ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी सतह पर एल्यूमिनियम पदार्थ का लेप होता है, जिसे यह परावर्तन का गुण रखती है। इस परावर्तक सतह पर हाई तीव्रता की लेजर लाइट डाली जाती है, जिससे एक छोटा पिट बनता है जो एक बिट का सूचक होता है। तो देखो इस पर डेटा को लिखने का तरीका क्या है, जैसा हमको मालूम है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, जीरो और वन के फॉर्म को समझता है। तो सीडी या डीवीडी में भी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो भी हमारी जीरो या वन के फॉर्म में होगी। तो ये जीरो या वन के फॉर्म में किस प्रकार से होती है? सीडी या डीवीडी की जो सतह होती है उस पर तीव्रता से प्रकाश डाला जाता है, जिससे कारण उस पर एक गड्ढा बन जाता है, जिसे पिट बोलते हैं, जो कि एक बिट का सूचक होता है। वहां पर या तो जीरो स्टोर होता है डेटा या वन स्टोर होता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में जीरो और वन को स्टोर करके हम अपना डेटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं। सतह जहाँ पिट नहीं है वह जीरो बिट का सूचक है, इसे लैंड कहते हैं। तो जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ा वहाँ पर पिट नहीं बनता, गड्ढा नहीं बनता। तो उसके नहीं बनने के कारण वो किसका सूचक है कि वहाँ पर क्या स्टोर हो गया? जीरो बिट स्टोर हो गई। और जहाँ पर पिट बना वहाँ पर क्या स्टोर हो गया? वन स्टोर हो गया। तो इस प्रकार से सीडी में या डीवीडी में पिट के द्वारा, जीरो और वन के द्वारा डेटा को स्टोर किया जा सकता था। परावर्तित लेजर लाइट को फोटोडायोड द्वारा जांचा जाता है। सीडी रोम में फ्लॉपी की अपेक्षा अधिक डेटा संग्रह किया जा सकता था। फ्लॉपी में केवल 2 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता था, लेकिन जो सीडी ड्राइव होती है उसमें 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी आप यहाँ पर देख सकते हो चित्र में इस प्रकार से दिखाई देती है। देखो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी भी लिखी होती है 700 MB। अलग अलग कंपनी की सीडी आती है, यहाँ पर सोनी की सीडी, आपको और भी बहुत सारी कंपनी की, सैमसंग है ना, और भी बहुत सी कंपनी की आपको सीडी मार्केट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक सीडी आर का जो है चित्र बना। तो सीडी को भी निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। सीडी आर, आर का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, या इसको बोल सकते हैं सीडी रोम। तो सन 1990 में सीडी रोम ड्राइव का निर्माण हुआ, जिसका प्रयोग स्पेशल सीडी रोम डिस्क पर डेटा राइट करने के लिए किया जाने लगा। इसमें उस सीडी रोम के पास एक टेम्परेचर सेंसिंग लेयर होती थी, जो कि राइटिंग द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। आप केवल उस डिस्क में किसी हुआ है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? सीडी आर। एक हिस्से पर एक ही बार डेटा राइट कर सकते हैं, सीडी आर को रोम डिस्क भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है सीडी आर। अगर इसमें एक बार डेटा राइट हो गया तो उसमें सीडी में जो राइट हुआ है डेटा, उसको ना तो हम हटा सकते हैं और ना ही इस सीडी में हम दोबारा कोई सा डेटा भर सकते हैं। मतलब ये कहलाता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही एक बार डेटा यदि भर दिया आपने, उसके बाद इस पे लिखे हुए डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं सीडी आर। इसका फुल फॉर्म है सीडी रीड ओनली मेमोरी, जो कि 1990 में जो है सीडी ड्राइव का निर्माण हुआ, उस सीडी ड्राइव में ये सीडी को चलाया जाता था, है ना, और डेटा को एक बार उसमें राइट कर दिया जाता था। एक बार राइट करने के बाद सीडी ड्राइव के द्वारा इस सीडी में जब डेटा राइट कर दिया जाता था, तो चूंकि ये सीडी आर है, मतलब इसमें डेटा हम केवल एक बार
राइट कर सकते हैं, उसके बाद डेटा इससे मिटा नहीं सकते, इसी कारण से इसको क्या बोलते थे, सीडी रोम, केवल ये पढ़ने के उपयोग में आती थी। इसी प्रकार से सीडी का अगला प्रकार है सीडी रीराइटेबल। देखो इस प्रकार से सीडी जो रीराइटेबल होगी इसमें RW लिखा होगा। रीराइटेबल का अर्थ ही होता है जिसमें हम पुनः राइट कर सकें, रीराइटेबल जिसको हम पुनः जिसमें डेटा राइट कर सकें, ऐसी सीडी कहलाएगी रीराइटेबल। इसमें एक ही डिस्क पर एक से अधिक बार डेटा राइट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की डिस्क को सीडी ड्राइव द्वारा पढ़ा जा सकता है। एक बार आपने डेटा राइट कर दिया, पुनः आप इस डेटा को मिटा करके फिर से इसमें डेटा आप राइट कर सकते हो। इसको पढ़ने के लिए सीडी राइटर की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा कि डेटा इसमें पुनः राइट किया जा सके। तो ये है आपकी CDRW जिसका फुल फॉर्म है CD रीराइटेबल, मतलब एक बार डेटा भर दिया फिर आप उस डेटा को इरेज कर सकते हो कंप्यूटर में, CD ड्राइव में ही CD को लगा करके फिर से उसमें आप डेटा भर सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो कि इसमें से डेटा मिटा दें, फिर से आप डेटा मिटा सकते हो और फिर उसमें डेटा पुनः राइट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस CD को कहते हैं CD रीराइटेबल। CD की ही अगली कैटेगरी है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये भी एक प्रकार की CD ही है, इस प्रकार से कोई अलग से CD नहीं आती है, ये भी एक CD का प्रकार ही है जिसमें कि वीडियो को राइट किया जाता है, इसी कारण से इसको वीडियो CD की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो डेटा राइट किया जा रहा है वो कोई वीडियो फाइल हो रही है, इसी कारण से इसको वीडियो CD की कैटेगरी में रखा गया है। इसका पूरा नाम वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क है, या इसे क्या बोलते हैं VCD। जब एक ब्लैंक CD में हम टोटल वीडियो राइट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, VCD, या उसे क्या बोल सकते हैं, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका प्रयोग स्पेशल CD फॉर्मेट के लिए तथा वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए देखो फॉर्मेट का नाम भी लिखा हुआ है MPEG का प्रयोग करके 74 मिनट तक का वीडियो एक CD में स्टोर किया जा सकता है। तो एक नॉर्मल CD ही है, इसमें जो डेटा राइट किया जाता है वो वीडियो होता है, इसी कारण से बनने के बाद इसको क्या बोल सकते हैं, वीडियो CD बोल सकते हैं। तो हमने ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत CD के बारे में पढ़ा और CD के हमने तीन प्रकार पढ़े। एक पढ़ा हमने CDR जिसमें डेटा केवल राइट किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। एक पढ़ा हमने CDRW जिसमें से डेटा मिटाया भी जा सकता है, और एक है आपका VCD जिसमें कि डेटा को आप जो है वीडियो के रूप में, वीडियो वाले डेटा को इसमें राइट कर सकते हो। तो ये था आपका वीडियो CD। इसके बाद अगली स्टोरेज डिवाइस आती है जिसका नाम है जिप ड्राइव। यह एक उच्च क्षमता वाली फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है जो कि ओमेगा कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की गई है। तो आप यहाँ पर जिप ड्राइव किस प्रकार से दिखाई देती थी, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो बाहर निकली हुई डिवाइस है इसको जिप ड्राइव बोलते हैं, और इसमें जो भी डेटा जो है वो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ने के लिए इस प्रकार से ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, इसे जिप ड्राइव ही बोलते हैं। ये भी लगभग फ्लॉपी डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इसका नाम अलग है। इसका नाम क्या है, जिप ड्राइव। जिप ड्राइव पुरानी फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा आकार में थोड़ी बड़ी और मोटाई में लगभग दुगनी होती है। तो फ्लॉपी डिस्क से साइज में इसमें परिवर्तन होता है। आप देख सकते हो कि ये फ्लॉपी डिस्क की तरह ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये फ्लॉपी डिस्क से अलग होती है, इसकी बड़ी होती है और मोटाई भी लगभग फ्लॉपी डिस्क से दुगनी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जिप ड्राइव। इसमें 100 MB डेटा संग्रहण की क्षमता है, जैसे उसमें केवल 2 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते थे फ्लॉपी में, लेकिन जो जिप ड्राइव होती थी उसमें 100 MB तक का डेटा स्टोर करने की क्षमता थी। क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक महंगी थी तथा टिकाऊ, इसका प्रयोग हार्ड डिस्क से बैकअप तथा बड़ी फाइलों को भेजने के काम में आता है। तो जो जिप ड्राइव है उसका इस्तेमाल एक प्रकार से बैकअप बनाने के लिए, या अपन को कोई बड़ी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसके लिए इसका इस्तेमाल आप कह सकते हैं कि पहले ही किया जा सकता था। अभी भी इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है क्योंकि इसकी जगह पेन ड्राइव है ना, इन सभी चीज़ों ने ले लिया है इसकी जगह। तो जिप ड्राइव जो है वो फ्लॉपी ड्राइव के बाद आई, और फ्लॉपी ड्राइव से ज़्यादा मोटी होती थी और इसमें डेटा भी फ्लॉपी ड्राइव से ज़्यादा स्टोर किया जा सकता था, और फ्लॉपी ड्राइव का चित्र आपने यहाँ पर देखा। अगली है फ्लैश ड्राइव। यह एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है।
ईई प्रोम के बारे में हमने पढ़ा था, इसे फ्लैश ड्राइव भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना एक बाइट के हिसाब से नहीं लिखी जाती, बल्कि एक बार में एक पूरा ब्लॉक लिखा जाता है। इसमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर की बायोस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया, इसे भी आप फ्लैश ड्राइव की कैटेगरी में रख सकते हो। इसे जनरली हम पेन ड्राइव कह सकते हैं, लेकिन फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल बायोस को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड में किया जाता है। और यहाँ जो चित्र बना हुआ है, ये इसको भी हम फ्लैश ड्राइव की कैटेगरी में रख सकते हैं। और बाकी ये क्या कहलाती है, पेन ड्राइव, जनरली क्या बोलते हैं इसको, पेन ड्राइव। और फ्लैश ड्राइव आपकी किस में इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, और इसे चलाने के लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। और जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं डेस्कटॉप, उसमें बायोस को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करने के लिए फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी फ्लैश ड्राइव। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आवश्यकताएं एवं प्रकार को समझाइए। हमने काफ़ी सुना है कि हम कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या ये सॉफ्टवेयर आपको पेन ड्राइव में चाहिए है। तो सॉफ्टवेयर कहलाता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर में किसी निश्चित कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या समझता है, निर्देशों को समझता है। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या हुई कि सॉफ्टवेयर कई प्रोग्रामों का समूह कहलाता है। और प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर में कोई भी, यदि कंप्यूटर से हमको कार्य करवाना है तो उसके लिए हमको कंप्यूटर को निर्देश देने होंगे, है ना। तो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, जो निर्देश लिखते हैं, उन निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो कंप्यूटर में निर्देश जो हम दे रहे हैं उसका समूह प्रोग्राम कहला रहा है, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर में हम अपना कार्य करने के लिए करते हैं। जैसे इसका आप ऐसे उदाहरण ले सकते हो, हमने शुरुआत में भी दो चीज़ें पढ़ी थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर को दो प्रकार से समझ सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या कहलाता है, फिजिकल सारी चीज़ें जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और जो प्रोग्राम्स जो उसमें चलते हैं, और जो भी हम टाइपिंग के लिए, गाना सुनने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए जिन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का समूह कहलाता है, और प्रोग्राम बहुत सारे निर्देशों का समूह कहलाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर जिससे मिलकर बनता है प्रोग्राम, उन प्रोग्राम को कौन लिखता है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, जिनको कंप्यूटर में किस प्रकार से प्रोग्राम लिखना है उसकी लैंग्वेज का ज्ञान होता है, उसके सिंटैक्स किस प्रकार से होंगे, प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाएगी, उसका ज्ञान किसको होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर को। तो वो प्रोग्रामर क्या बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तथा इन प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये पूरा डिटेल में डेफिनेशन हमने बताई यहाँ पर कि कंप्यूटर में यदि हम कोई निश्चित कार्य करना चाहते हैं तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा तैयार किया जाता है, और फिर इन प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में हम नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, उसका चित्र देखो यहाँ पर दिया गया। विंडोज़ XP जैसी कंप्यूटर चालू होता है तो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए, हमारी हार्डवेयर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, लिनक्स, ये क्या कहलाता है, ये भी एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ XP का चित्र बना हुआ है। इंटरनेट चलाने के लिए देखो मोजिला फायरफॉक्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मीडिया फाइल चलाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की ऑडियो वीडियो, उसके लिए हमको ये देखो मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अगर हमको पेंटिंग करना है तो हमको पेंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अगर हमको टाइपिंग वगैरह करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हमको इस प्रकार से MS ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमको पड़ती है।
अब यहाँ पर देखते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार से बांटा गया है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। किसी भी कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेटर कंपाइलर हैं। तो हमने शुरू में समझा था कि कंप्यूटर को दो भाग में बांट सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को भी दो प्रकार से बांट सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब अगर हमने कंप्यूटर चालू किया है तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए, उस हार्डवेयर मशीन को चलाने के लिए, मेमोरी का इस्तेमाल करने के लिए, हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब सारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो विंडोज़ का एक डायग्राम जैसा बता दिया, विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर को चलाने के कार्य में आते हैं, इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका चित्र दिया गया, इंटरप्रेटर भी है। इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेटर कहलाते हैं। मतलब जो हमारे द्वारा लिखी गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करते हैं। मतलब इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। क्यों कर रहा है? हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमने सभी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने का कार्य भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो बाकी के सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे। सभी प्रकार की पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे कंप्यूटर में है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तभी तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे, तभी तो हम माउस चला पाएंगे, तभी तो हम प्रिंटर चला पाएंगे। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, तो हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर को तैयार करने का कार्य भी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो जो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा किसी निश्चित कार्य को कराने के लिए किया जाता है, है ना? तो कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को यदि आपको करना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया, जिसका उपयोग हम स्वयं करते हैं अपने कार्य को कंप्यूटर में आसान बनाने के लिए, जिन सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? जिसका उपयोग सिस्टम करता है अपने हार्डवेयर को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? जिसका उपयोग जो है हम करते हैं अपने कार्य को आसान बनाने के लिए, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा किसी निश्चित कार्य को कराने के लिए किया जाता है, जैसे आरक्षण, बही खाता, वेतन तालिका आदि बनाने के लिए। जो प्रोग्राम बनाकर हम कंप्यूटर को देते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम आप कंप्यूटर में अपने लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे नॉर्मल टाइपिंग वर्क के लिए, गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वो सारे सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे देखो उदाहरण कुछ के दिए गए हैं, सभी प्रकार के एमएस ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारे क्या कहलाते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड का इस्तेमाल नॉर्मल टाइपिंग वर्क करने के लिए, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का इस्तेमाल डेटाबेस बनाने के लिए या रिकॉर्ड को रो और कॉलम में स्टोर करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो ये सारे क्या कहलाते हैं?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पेंट ब्रश भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल का उदाहरण है। गूगल क्रोम भी चूंकि हम इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, है ना, और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस, सभी क्या कहलाता है, सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में दूसरा नाम था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।